पिंपी अंकल हेलो। सो हेलो एंड वेलकम बैक गेमर्स टू 96 के मराठा गेमिंग। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में जो अपडेट दिया था कि यस UMP ग्लेशियर आ रही है एंड वी विल श्योरली डू एन ग्रेट ओपनिंग फॉर द सेम। सो वही वीडियो लेके आई एम बैक फॉर यू गाइस। सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में अपने थैंकफुल रहा था जो हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, बट प्लीज़ गाइस एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज़ मत भूलिएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करने के लिए, क्योंकि देन मिसेस हो जाते हैं यार वीडियोस में और आप एक्साइटिंग गिव अवेज लूज़ आउट कर दोगे। सो आज जब मैं 5:30 बजे सुबह उठा था तो मैंने देखा कि आज एक UMP की क्रेट आई हुई है क्रिस्टल ब्लूम नाम से। ये है उसका ट्रेलर। ट्रेलर मैंने ऑलरेडी आई थिंक एक महीने पहले ही डाल दिया था, बट ऑसम ट्रेलर है ये, बहुत मस्त है, अल्टीमेट सूट है। अगर आपको देखना होगा वी कैन हैव एन लॉबी मीटअप, मैं दिखा सकता हूँ कितना ऑसम है ये एक्सूट के टक्कर के अल्टीमेट सूट सारे आजकल, दे आर रियली ऑसम। सो ये बहुत बढ़िया इमोट्स भी है उसके साथ, हम देखेंगे इस वीडियो में आगे जाके। सो ये क्रेट ओपनिंग ऑलमोस्ट लाइक 14,000 यूज ही कराए हैं मैंने। पहले तो मेरा एम था कि सिर्फ UMP ली जाए, देन मैंने सोचा कि ड्रेस भी बुरा नहीं है यार। इसका एंट्री इमोट देखो, इतना ऑसम एंट्री इमोट, जैसे तुम लॉबी में आते हो ये पूरा एक्चुअल में ग्लेशियर वाला एंट्री इमोट आता है ये स्वॉर्ड ब्लेड लेके, तो आप सोचो कितना अच्छा लगता होगा कि कोई बंदा आपको बुला रहा है एंड आप ऐसे जा रहे हो। सो ये लक के लिए मैं सारे एक बार सारे आइटम्स पे टैप कर रहा था कि एक आध बार टैप करने से हो सकता है लक एक्टिवेट हो जाए और हमें गन्स स्किन्स अल्टीमेट सूट्स मिल जाए। सो अगर किसी को नहीं पता होगा ये मेरा 10th अल्टीमेट सूट था, सो वो टाइटल भी अनलॉक हो गया है। ये इमोट देखते मन नहीं भर रहा है भाई, जैसे एंट्री इमोट है बहुत ऑसम है, मैं 2-3 बार देख रहा था सुबह जैसे उठा था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी मैंने ऑलमोस्ट लगभग 2 या 3 बार देखा हुआ है। सो अब ये तो रहा ड्रेस, ड्रेस में मैं बाकी भी चीज़ें देख रहा था, बट देन हेड गियर इतना अच्छा नहीं। UMP देखो Level 1 पे इतनी ऑसम लग रही है यार, मैक्स लेवल पे तो क्या ही कहने। मैं इसके साथ मैच भी खेल चुका हूँ, बहुत मस्त किल फीड है M4 और AKM के टक्कर का थ्रो। ये क्रेट देखो यार, गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाएगी, हिट इफेक्ट तो ऑलमोस्ट M4 जैसा है। और ये वेपन्स पे जो हम क्या बोलते हैं उसको स्पेक्टेट करते हैं, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो भी ऑसम है, क्रायो फ्रॉस्ट शार्ड। बैकपैक इतनी खास नहीं लगी मुझे और ना मुझे मिली है, सो बात ही नहीं बनती उसकी। ये ग्लाइडर है, ग्लाइडर निकल चुका था हमारा और इतना खास वो भी नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे ग्लाइडर्स पड़े और हम बुगाटी से उतरते हैं बॉस, बुगाटी से उतरने वाले बंदे हैं, सो ग्लाइडर हमारे लिए मायने नहीं रखता। और ये इमोट बहुत मस्त इमोट है, लॉबी में तुम जब अपने बंदों के सामने शो ऑफ करने जाओगे ये इमोट तगड़ा वाला लगता है यार। M16 गन स्किन बहुत अच्छी है बट कुछ वर्थ नहीं है, अपग्रेडेबल नहीं है। तो लॉबी देखो यार कितनी साधारण लॉबी, दिखने में बस दिखने के लिए अच्छी लग रही पीछे, बट इससे कहीं बेहतर हमारी लास्ट वाली फूल्स क्रेट की जो हमने ओपनिंग की थी उसकी लॉबी है। और ये सारे रिडीमेबल्स जो तुम मिनी क्रिस्टल्स के साथ रिडीम कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्रेट ओपनिंग, लेट्स स्टार्ट अप। इसमें मैंने कोई ट्रिक विक यूज़ नहीं की है, सिंगल टैप वाली प्योर प्ले 10 टाइम्स की क्रेट ओपनिंग है। सो लेट्स स्टार्ट, जय श्री राम, देखते हैं पहले इसमें क्या मिलता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड 2 मिनी मटेरियल मिले, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। पेंट की कमी मुझे बहुत खलती है आजकल, क्योंकि ये गन भी मैं 7 लेवल तक नहीं लेके जा पाया क्योंकि गन मटेरियल रहने के बाद भी। सो अगेन सेकेंड टाइम 10 की क्रेट ओपनिंग 4x मिले, कितनी पॉपुलैरिटी दोगे गाइज, लिमिट होती है किसी चीज़ की। वापस एक बार 10 टाइम करते हैं, देखते हैं प्रभु राम हमें कुछ हेल्प करते हैं। यस
सो एक प्रॉपर मटेरियल निकला हुआ है, प्रॉपर जेम निकला है, आईसी जेम। देख रहे हो श्री राम हमारे साथ है इस ग्रेट ओपनिंग में। सो चलते हैं आगे, देखते हैं कि लक कहाँ तक जाता है और कितने में, क्या लगता है गाइस कितने में UMP 45 निकलेगी, कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो देख के मत बताना, तो ये सेकेंड टाइम में देखो। राम जी हमारे साथ है इस ग्रेट ओपनिंग में, लगातार 2 10K क्रेट्स में 2 बार ICGM निकल गया। मुझे बस अभी प्रतीक्षा थी कि एक और मिल जाए ताकि UMP निकाली जाए, बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में होती पता है, और एक बार निकल जाता तो। बट नो वरीज, 2 या 3 हज़ार में निकलने से तो रही, BGMI इतना मेहरबान तो नहीं होने वाला किसी पे। सो अभी हम साइड रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेते, फिर से जाते हैं 10 टाइम्स। दे दो यार प्लीज़ BGMI वालों, कुछ तो दे दो, ऐसा तो नहीं होता यार। ये अंगूठियों की करूँ क्या मैं, क्या करनी है अंगूठिया, मैंने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया पॉपुलैरिटी बैटल में। सो लेट्स गो और एक बार 10 टाइम्स देखते हैं इसमें कैसा लक रहता है। देख अंगूठिया भर भर के, क्यों भाई क्यों, क्या मिल रहा है अंगूठियों से। चलते और एक बार, लेट्स सी। देखो भाई साहब 3 और 7 बार अंगूठी, ये अंगूठी के नाम पे टोपी बना आ रहा है BGMI वाले, मैं बोल रहा हूँ। एक और 10 टाइम्स देखते हैं अभी कुछ तो निकल जाए यार प्लीज़ BGMI वालों। बॉस मैंने क्रिस्टल, क्या करूँ इसे। देखा मैंने बोला ना कि पहले 30 के स्पिन में मुझे 2 बार ICGM निकल गया था ना, तो बहुत काटेंगे भाई, इतने आसानी से तो किसी को देने से रहे लोग। देखते 100 100 वाला स्पिन है, कुछ निकलता है कुछ नहीं। सेकंड 2x, क्या करूँगा भाई 2x तो मैं कभी लगाता भी नहीं किसी भी गन पे, बहुत ही अंडररेटेड है, बट स्कोप स्टिल नॉट ऑफ एनी यूज़। हे भगवान कुछ तो दिला दे यार। सो वैसे भी 100 का बार फुल होने आया है, भगवान जी भी बोलेंगे तुम्हें तो मिलना ही है। सो लेट्स सी क्या मिलता है। कुछ नहीं यार, बस अंगूठी है और एक ICGM भाई। मैंने क्रिस्टल सो दे दो यार, इतना तो नहीं लूटा करते बंदों को BGMI वाले, क्या कर रहे हो यार, पूरा पैक ख़त्म होने आ गया, पहले 2 तो इजीली दे दिए थे। सो अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे 3x मिल गया है आइस वाला, बट आई थिंक 80 या 90 स्पिन पे ही मेरी UMP निकल गई थी। स्टिल मैंने सोचा कि ड्रेस भी निकाली जाए, सो ड्रेस के लिए मैं ट्राई करता हूँ आगे। 4x देखो यार फिर से मिल गया, 3 पेंट में रिडीम हो गया। पेंट की अहमियत समझ रही है अभी, बट स्टिल ढंग का दो यार। AQ तुम वैसे तो 1500 UC ले लेते हो स्कोप के लिए, और देते वो क्या दे रहे हो 3 पेंट। दिस इज़ नॉट डन BGMI, दिस इज़ रियली नॉट डन। 150 स्पिन के बाद भी कुछ नहीं मिला। कैसा है ना कि पहले अगर तुम्हें कुछ निकल जाए ना, तो बाद में निकलना बहुत मुश्किल है, तुम भूल जाओ फिर कुछ मिलने वाला तुमको। वही मेरे साथ होता है, पहले 2 30 स्पिन में 2 बार निकल गया ICGM, ख़त्म था कहानी उधर। अब तुम कितनी बार भी, मतलब ये पूरा पैसा चूस के रहेगा भाई। एक पैक के बाद अब मैं वापस UC डलवा के आता हूँ, क्योंकि मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा था, भले ही मैं हेड कवर ना लूँ, नहीं चाहिए, बट ये सूट बहुत मायने रखता है। गन हम रिडीम कर लेते यहाँ से, Level 1 की देखो कितनी औसम है, कितनी औसम है भाई। M4 मेरे को Level 6 या 7 करनी पड़ी थी, तब भी जाके ऐसे दिख रही थी, तो Level 1 पे ही इतनी चमक रही है। सो यहाँ पे मैं और भी देख रहा था कि क्या क्या मिला अटैचमेंट्स में। सो मैग मिल चुका था, एक्सटेंड मैग लेने के लिए मुझे वापस मेहनत करनी पड़ती। लकीली वर्टिकल फोर ग्रिप मिल गया था, ये 2 ही चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, वर्टिकल फोर ग्रिप या फिर लेजर साइट। कॉम्पनसेटर नहीं मिला था, सप्रेसर नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो ड्रेस भी निकालनी है तो थोड़ी UC डाली जाए। सो मैं एक हाफ पैक डाल के आ गया, है ना। लेट्स स्टार्ट विथ 10 अगेन, देखते हैं इस बार लक कैसा रहता है। क्या लगता है कुछ मिलेगा? नहीं, BGMI वाले आज ठान के आए भाई कि अंगूठी के नाम पे टोपा पहनाएंगे सबको। अगेन 10 टाइम्स,
लकीली आई सी जेम मिल गया, बट आई थिंक ये भी 100 का बार फुल हो गया था, उसके वजह से मिला BGMI वालों। शर्म करो यार, शर्म करो, दे दो बंदों को कभी तो कुछ चीज़ें। अच्छी लगती है तुम्हें? नहीं अच्छा लगेगा कि बंदे नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे निकाल के चले जाएंगे। ड्रेस भी दे दिया करो यार, कुछ भी नहीं निकला, सब कुछ रिडीम करना पड़ रहा बंदों को, तो ये क्रिएट कैसी हो गई? तुम क्या दिए जा रहे हो? सिर्फ पेंट, अंगूठी, मिनी क्रिस्टल्स। भाई ये मिनी क्रिस्टल जमा करते करते भी ना 50 पे एक आईसी जेम होता है, घर चला जाएगा मेरा इसमें। नहीं सुधरेंगे, फिर से 10 देखते हैं। कुछ नहीं यार, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा। कुछ तो दे दो यार, क्रेट में ही दे दो, ओपनिंग में। रिडीम करना हमेशा ज़रूरी नहीं है BGMI। 1700 UC बची है, दे दो प्लीज़। 10 टाइम्स अगेन, कुछ नहीं। क्या यार, मतलब कितना लूटोगे यार BGMI वालों? देखो BGMI का ही नोटिफिकेशन आ गया, बोलती बंद, देख रहे हो? वो भी वॉर्न कर रहे कि बोलती बंद कर भाई, ग्लाइडर दे दिया तेरे को, मत बकवास कर। देखते हैं अगेन 10 टाइम्स, इसी भी ख़त्म होने आई है। बस सिर्फ टोपा पहना रहे, ये अच्छा था भाई 10। एटलीस्ट 5 से 6 मुझे मिनी क्रिस्टल्स मिले। अब ये देख के थोड़ा मेरे को लगता है कि यार बहुत कट रहा है, ड्रेस निकलेगी कि नहीं, बहुत डाउटफुल था। बट देन मैं फिर से एक बार 2000 वाला पैक डलवा के आ गया यार, फिर से करते हैं। मैंने सोचा था एटलीस्ट 3 में कुछ तो निकलेगा, कुछ नहीं तो लॉबी लेके जाऊंगा पीछे की, लॉबी नहीं तो इमोट लेके जाऊंगा, क्योंकि इमोट की तो बची थी। बट ट्राई बहुत बहुत ज़्यादा हद तक ट्राई कर रहा था कि वो निकल जाए, कुछ तो निकल जाए। बट यार अब थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट दे ही दिया है कि भाई मिनी गन मटेरियल ले लो। भाई हमें आईसी जेम के लिए आते हैं हम लोग, तुम रिडीम करने पे ही दोगे, हमें भी पता है। वैसे तो मिलने से राम को क्या यार, पूरा 250 पे आईसी जेम, और ये फिर से ग्लाइडर के साथ निकला है। देखो 4 हो गए फाइनली, एंड लकीली अभी मुझे 4 हो गए और एक रिडीम कर लेता हूँ मैं जेम पीस एक्सचेंज में जाके, तो 5 हो जाते। तो बस अभी एक के लिए फाइट थी, तो मैंने सोचा यार एक के लिए क्यों गिव अप करना है। ड्रेस बहुत मस्त है, वर्थ इट है 6 जेम्स पे लेने के लिए। सो मैं जाता हूँ, यू से डलवा के आता हूँ। गरीबों की हालत ही क्या होती है, दुनिया लूटती है, तुम भी लूट लो BGMI वालों। सो ये एक आईसी जेम निकालने के बाद मैं जाता हूँ फिर से यूसी डलवाने के लिए, क्योंकि BGMI को तो लूटना ही है। सब कुछ मिल गया था कि लेज़र साइट, वर्टिकल फोरग्रिप, एक सप्रेसर पेंडिंग था, एक्सटेंडेड मैग मिल चुका था। सो सप्रेसर के लिए मैंने सोचा कि सप्रेसर ही निकल जाए अगले इसमें, देखते हैं। सो एक आईसी जेम रिडीम करने के बाद मैं फिर से एक बार 2000 का पैक डलवा के आता हूँ। आई डोंट नो, मुझे काउंटिंग भी मैं भूल चुका हूँ कितने यूसी डाले अब तक, कितने नहीं। सिंगल सिंगल 2-3 खोल लेता हूँ, मुझे लगा कि कुछ तो निकलेगा, एटलीस्ट एक आईसी जेम निकल जाता तो मुझे यूसी डलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट BGMI बीइंग BGMI, हम कुछ ना ही देगा। सॉरी अगर मैंने मिसस्पेल किया होगा तो, बट मैं हार चुका हूँ BGMI के सामने। इतनी यूसी खा रहे लोग, लूटे जा रहे हैं, कुछ भी रिडीम, मतलब सब कुछ रिडीम करना पड़ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है क्रेट ओपनिंग का? आ गया 2000 की यूसी डाल के, फिर से आ गए मौत का तमाशा देखने, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। देखो क्या लेने हैं हम, अंगूठिया भाई, हमें तो यही चाहिए, इसी के लिए तो क्रेट ओपनिंग कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर से यार BGMI, अगर ये लास्ट बार नहीं निकला ना एक जैम, बंद कर दूंगा, नहीं लेने वाला।
नहीं यार, देखो कितनी दुविधा में अटका गया रखा। 53 टोकन्स हो गए, यहाँ से मैं रिडीम कर लेता हूँ मैं जेम, आईसी जेम। बट देन देखना तुम कि मेरा बार भी फुल होने आया था, सो मुझे इमोट भी चाहिए था यार। अब मैंने देखा कि मैंने सिर्फ ड्रेस नहीं लेनी, इमोट भी तो है भाई, इमोट भी तो तगड़ा वाला है। तो फाइनली विंटर हाइनेस सेट रिडीम करना पड़ा यार। बीजीएमआई वाले थोड़ी शर्म कर लो, इतनी यूसी डालने के बाद तुम्हें अगर बंदों को रिडीम करना पड़ रहा है ड्रेस, तुम स्पिन में नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा तुम्हारा। चलो यूएमपी अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे पास पड़ी थी सारी मटेरियल्स, बहुत सारी मटेरियल्स पड़ी थी। सो हम इसे लेके जाते हैं, लेवल 7 तक आराम से लेके जा सकता था बट पेंट कम पड़ गया। इसी के साथ मॉली भी आती। आप सोचो कि किसी बंदे को आप मार रहे हो, ग्लेशियर का इफेक्ट है, बंदा मतलब उसे ये समझे ना मरते वक्त कि गर्मी हो रही है, ठंडी बज रही है, क्या सेंस बनता है इस बात का। सो यूएमपी फाइनली लेवल 6 हो गई। लूट क्रेट मिली ही नहीं जबकि गन मटेरियल पड़े हुए थे, क्या कर सकते। पेंट कम पड़ा था यार, पेंट की मतलब पेंट की अहमियत क्या है ना, इतने सालों में मुझे आज पता चली है। जब तुम्हारी गन इतने पास आके मुंह के पास निवाला होते हुए तुम नहीं कर सकते। अब मैं एक और हाफ पैक डालवा के आता हूँ कि मुझे इमोट चाहिए था। एक बस आईसी जेम दे दो बीजीएमआई वालों, कसम से कुछ नहीं मांग रहा मैं, बंद करके दुकान बंद करके चले जाऊँगा अपनी। बस एक आईसी जेम, मुझे लगता है कि तुम फुल करके ही बार दोगे, इतने हरामी हो तुम लोग, देने नहीं वाले। देख रहे हो नहीं मिल रहा है, क्यों देंगे भाई, हम तो पूरा 100 पे होने पे देंगे, उसके पहले तो घंटा कुछ देने से रहे। अब तो क्या, अब तो सरप्राइज भी नहीं था मैं कि 100 पे मिलना ही है। कुछ एक्साइटमेंट था ही नहीं इस वाले की। रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, जो गाड़ी की आवाज़ आ रही है, बट एको भी हो रहा होगा। सो फाइनली इमोट रिडीम करने के बाद इतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि उसके पहले निकल जाता यूसी बच जाती। तो यहाँ पे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, बंद कर देता हूँ और जाता हूँ कार्नेट की ट्रॉली क्रेट पे, क्योंकि हमने ये खोली नहीं थी। टू बी फ्रैंक, 10 10 10 के स्पिन किए जा रहा था, 2 3 60 की मारी थी बट कुछ नहीं मिला था। सो अभी देखते कैसा लग रहेगा। पूरी 2400 यूसी में इस फ्लैश स्ट्राइकिंग वाले इसमें डालने वाला था क्योंकि मुझे लगा था पेंट मिल जाएंगे भर भर के, बट उससे ज़्यादा लकी तो ये निकली भाई, लिटरली उससे ज़्यादा लकी ये निकली। अंगूठिया तो हर जगह पहना ही रहे, बट अभी देखो ये 10 में एक गन मेटल निकला, एक एटेक्स निकला, नेड निकला, खुशी हुई। फिर से आएगा, फिर से जब आता है फिर देखो कार 98 गन मटेरियल पॉस, पेंट तो मिल ही रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं था वो मिल गया तीसरे स्पिन पे। एक अपग्रेडेबल स्किन यही यूएमपी दे देते यार तीसरे स्पिन में। फिर से एक बार 10 बार करता हूँ, देखो पूरा मटेरियल दे दिया उन्होंने, एक फ्लैश जेम जिससे कि मैं इमोट रिडीम कर लेता हूँ। तो यहाँ के 2400 यूसी वर्थ थे मेरे, थैंक्स टू द स्क्रेट वर्थ थे 2400 यूसी। 8x मिल गया, कार 98 मिल गई, बट ऑब्वियस हमारी अच्छी वाली क्रेट ओपनिंग हुई है। तो मैं नहीं रखता कोई जेम, बचाना ही नहीं है मुझे बाद में। तो फिर से जाके देखता हूँ कि अभी क्या क्या पेंडिंग था। तो इसमें मुझे आई थिंक सप्रेसर पेंडिंग था, कॉम्पनसेटर पेंडिंग था, ये 2 चीज़ें पेंडिंग थी जो मिली नहीं है, बट बाकी जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मिल चुकी थी। एंड 13 मिनी मटेरियल्स पड़े हैं, हाँ मिनी जेम्स पड़े हैं। सो देखते हैं उसका क्या करते हैं। 10 10 के क्रेट्स ओपन तो करते ही रहूँगा मैं। तो जैसे मैंने बता दिया वो कॉम्पनसेटर और नहीं मिला था, तो वो अगली बार देख लेंगे। जैसे जैसे 10 का सिंगल खोलेंगे उसमें तो निकलेगा ही, बट ऑब्वियस जैसे ही फुल हो जाता है हम ले लेंगे। बट अभी और यूसी नहीं डलने डलने वाला इसमें, हाथ जोड़ लिए भाई। तो अब देखते हैं हमारी यूएमपी कैसे दिखती है लॉबी में विद दिस ड्रेस। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस, आई एम इन लव विद दिस। अभी ये इमोट देख लो, और यहाँ तक अगर देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, आपके सपोर्ट से बहुत हेल्प होती है। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लो,
थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग, जय श्री राम। प्लीज़ देखते रहो और रॉयल पास गिव अवे जल्दी होगा ये 4 का, जैसे ही रॉयल पास आएगा। सो राम राम सबको एंड जय श्री राम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।